प्रवर्तन निदेशालय ने विपक्षी नेताओं के खिलाफ धुआंधार अभियान छेड़ रखा है। दिल्ली, बंगाल, बिहार, झारखंड के अलावा देश भर के कई नेताओं के खिलाफ ईडी की जांच चल रही है। ईडी से बचने के लिए नेताओं ने कोर्ट जाने का नया नुस्खा निकाला है। हालांकि अब तब जब किसी को कोर्ट से राहत नहीं मिली तो रेलवे में नौकरी के बदले जमीन मामले में लालू का पूरा परिवार जांच का सामना कर रहा है। इस मामले में बुधवार को ही उन्हें दिल्ली के राउज अपने कोर्ट से जमानत मिली है। कांग्रेस के सोनिया गांधी, राहुल गांधी से लेकर आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। संजय सिंह भी पूछताछ के बाद गिरफ्तार हो गए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमीन घोटाले में ईडी 5 बार समन दे चुका है। कई बार टालमटोल करने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट जाने की नसीहत दी। वे हाईकोर्ट गए लेकिन उनकी याचिका में त्रुटियां पाई गई। उन्होंने सुधार कर दोबारा याचिका दाखिल की है। हाईकोर्ट से जल्दी सुनवाई के लिए हेमंत सोरेन ने अलग से आग्रह किया है। इस बार 5वीं नोटिस का जवाब उन्होंने ईडी को भेज दिया है कि किन कारणों से वो मौजूद नहीं हो सकते। पहली बार हेमंत सोरेन को ईडी ने 8 अगस्त को समन भेजकर 14 अगस्त को बुलाया था। हेमंत सोरेन हाजिर नहीं हुए, उल्टे उन्होंने ईडी को धमकाया कि समन वापस ले वरना ये कानूनी तरीके से निपटेंगे। दूसरी बार ईडी ने 19 अगस्त को समन जारी किया और 24 अगस्त को पूछताछ के लिए तलब किया। तीसरा समन 1 सितंबर को भेजा और 9 सितंबर को हाजिर होने के लिए कहा गया। चौथा समन 9 सितंबर को जारी कर दिया गया और 23 को हाजिर होने को कहा गया। पांचवा समन देकर उन्हें 4 अक्टूबर को हाजिर होने के लिए कहा गया। जानकारी के मुताबिक प्रवर्तन निदेशालय अब आगे कोई समन हेमंत सोरेन को नहीं भेजेगा बल्कि कोर्ट का रुख करेगा। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे सांसद अभिषेक बनर्जी भी प्रवर्तन निदेशालय के समन पर हाजिर होने में आनाकानी कर रहे हैं। ईडी के समन को राजनीतिक साजिश बताते हुए अभिषेक बनर्जी ने भी कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। हालांकि हाईकोर्ट ने नोटिस पर कोई रोक नहीं लगाई है, यानी कि उन्हें हर हाल में प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर जाना पड़ेगा। अभिषेक बनर्जी के माता पिता से ईडी एक बार पूछताछ कर चुका है, अब उनको और उनकी पत्नी को बुलाया गया है। 3 अक्टूबर को अभिषेक बनर्जी को ईडी दफ्तर पहुंचना है पर नहीं गए। ईडी ने उन्हें नया समन भेजकर 9 अक्टूबर को हाजिर होने को कहा है। उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी को 11 अक्टूबर को ईडी दफ्तर जाना होगा। ईडी ने अब तक आधा दर्जन से अधिक टीएमसी नेताओं को गिरफ्तार भी किया है। दिल्ली में नेशनल हेराल्ड केस में प्रवर्तन निदेशालय सोनिया गांधी और राहुल गांधी से भी पूछताछ कर चुकी है। उनके खिलाफ मामले की जांच भी चल रही है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार के 3 मंत्री अब तक जेल जा चुके हैं। आबकारी घोटाले में सबसे पहले सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद इसी मामले में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी जेल गए। बुधवार को संजय सिंह को भी प्रवर्तन निदेशालय ने 10 घंटे की मैराथन पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। हर बार की तरह आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बौखलाहट बताया है। उन्होंने कहा है कि संजय सिंह की गिरफ्तारी गैर कानूनी है, चुनाव तक ये कई और विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार करेंगे। ईडी के पास सारी शक्तियां पहले भी थी लेकिन कभी कभार इक्का दुक्का मामलों में ही उसके छापे या कार्रवाई की जानकारी मिलती है। साल 2014 से 2022 के 9 सालों में प्रवर्तन निदेशालय की सक्रियता काफी बढ़ गई है। इस दौरान जितने मामलों में ईडी ने कार्रवाई की उनमें 95% से अधिक मामले विपक्षी नेताओं के खिलाफ हैं। तकरीबन 121 नेता जांच एजेंसी के दायरे में आए, इनमें विपक्षी नेताओं की संख्या 115 है। ईडी ने 2004 से 2014 के दौरान 112 जगहों पर छापेमारी की। साल 2014 से 2022 के दौरान ईडी ने 3010 जगहों पर छापेमारी की। छापों में 9 सालों के दौरान 27 गुना वृद्धि हुई है। साल 2004 से 2014 के दौरान 104 मामलों में ही अभियोजन दाखिल हुए, जो कि 2014 से 2022 तक 888 तक पहुंच चुके हैं। ईडी की जांच के दायरे में जो आए हैं उनमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, डीके शिवकुमार, चरणजीत सिंह चन्नी, अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत, कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी, कार्ती चिदंबरम और पी चिदंबरम शामिल हैं। इनके अलावा फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, संजय राउत, नवाब मलिक, अनिल परब, पूर्व सांसद ईश्वरलाल जैन, अनिल देशमुख, प्रफुल्ल पटेल, अभिषेक बनर्जी, तेजस्वी यादव और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और उनकी 2 बेटियां भी शामिल हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पोस्ट।